गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड पी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट 7 विच हैज़ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 5 मार्क्स, और इसमें बहुत सारा पोर्शन है जो डिलीट हुआ है। उसमें पहले इसको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम कहते थे, बट इस साल इसमें से एफ ब्लॉक एलिमेंट वाला पोर्शन हट गया है, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट हमने पढ़ने हैं। तो उससे पहले हम जरा पीरियोडिक टेबल की तरफ फोकस करें, पीरियोडिक टेबल को पढ़ लें, जिससे हम डी ब्लॉक को आसानी से पढ़ पाएँ। ठीक, यह आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि ये 7 आपके पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट आता है, जो हमने 11th में पढ़ा है। फिर 13 से लेके 18 तक हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो हमने 11th और 12th में कंप्लीट कर लिया है अभी। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, थर्ड ग्रुप से लेकर के 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, थर्ड से लेके 12th तक के ये जो एलिमेंट हैं, दीज एलिमेंट आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन टू डी सबशेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हमारा पूरा फोकस है वो इसी पे रहने वाला है कि थर्ड से लेकर के 12th ग्रुप तक के एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी होती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारे एलिमेंट को ग्रुप वाइज पढ़ रहे थे, जैसे 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th, 16th ग्रुप वाइज पढ़ रहे थे। बट अब इससे आगे हम जो है इनको पीरियड वाइज पढ़ेंगे, सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं, द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड से लेके 12th तक जैसे मैंने आपको बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन टू डी सबशेल। ठीक, डी सब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो जनरली एस और पी ब्लॉक के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेफ्ट साइड इसके एस ब्लॉक एलिमेंट है और राइट साइड इसके पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट सीरीज है, यहाँ पे देखियो बच्चों, तीन चीज़ें लिखी हैं। एक तो जेड लिख है, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, 4s के इलेक्ट्रॉन, 3d के इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक 10 एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज। इसको वन बाय वन आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें से फर्स्ट सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरी याद रखनी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक विद नेम, आप इनको नेम एंड एटॉमिक नंबर के साथ आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ही जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, बट दीज आर डिफरेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन विच इज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनमें कि उनकी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन, किसी भी आयनिक फॉर्म में अगर वहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं तो दैट इज़ नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि स्कैंडियम है, उसमें 3d1 होता है, या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें कि आयनिक फॉर्म में Fe+2, Fe+3, Zn+2 आयनिक फॉर्म में भी अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो उसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम। सबसे पहले आया स्कैंडियम 21। ठीक है, सबसे पहले आया स्कैंडियम 21। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे Ar18 होता है इसका, इसके बाद 18 के बाद 4s2, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s2 3d1, फिर इसके बाद टाइटेनियम 4s2 3d2। पहले आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल सब पहले हाफ फिल्ड होंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी, तो ये
4s2 3d2, फिर आया 4s2 3d3, फिर क्रोमियम का आता है 4s2 3d4, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है 4s1 3d5। 11th में भी हमने पढ़ा था 4s1 3d5। इसी तरीके से फिजिक्स में बिल्कुल जैसे क्रोमियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरीके से कॉपर का होता है 3d10 4s1। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बगैर आप डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन दोनों ही चैप्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए ये पूरा का पूरा ये सीक्वेंस कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है, आप इसको बार बार लिखो जिससे कि आप इसको याद कर सको। ठीक है, इसके बाद ये आपकी फर्स्ट सीरीज़ स्कैंडियम से शुरू होती है, स्कैंडियम से लेकर के जेडन तक 10 एलिमेंट का ग्रुप है। सेकंड यूट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक। थर्ड लैंथेनम से स्टार्ट होती है और मरकरी तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाउ आर डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट कैसे हैं? सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। डी ब्लॉक तो क्या है, जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है, और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, जो कि किसी भी आयनिक स्टेट में अगर डी इनकम्प्लीट है तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखिए, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो डी ब्लॉक होंगे। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट लाइक जिंक हैज़ फुल D10 कॉन्फिग्रेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे से क्वेश्चन आता है आपका ZnHgCd। आप देखो यहाँ पे है, ये देखो लास्ट में ZnCd और Hg, इसमें पूरा फिल होता है। देखो 3d10 4d10 और ये 5d10। डी पूरा फिल्ड है, डी पूरा फिल होने की वजह से क्या होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होता है। तो बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है ZnCdHg आर नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई? बिकॉज ये देखे क्या लिखेंगे आंसर, बिकॉज इट हैज़ फुल्ली D10 कॉन्फिग्रेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज देयर इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसके बाद आती हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, इनको हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।